हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू का हलवा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज सिंपल आलू के हलवे की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। मैंने इनका छिलका निकाल लिया है। 4 बड़े चम्मच पिसा हुआ चीनी लेंगे। चीनी को मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे थोड़े से कटे हुए काजू ले लें, आप इसमें बादाम या किशमिश भी यूज़ कर सकते हैं। 1/3 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर यूज़ करेंगे। घी हम लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच, इसमें हम घी थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इस आलू को मैश कर लेंगे। तो मैं इसे मैश करने के लिए फोक का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आलू को ग्रेट कर लें या फिर पोटैटो मैशर से मैश कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आलू में एक भी बड़े टुकड़े ना रहे। तो यहाँ पे इसे मैश कर लिया मैंने, इसे अलग रख दें, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई गरम किया है। कढ़ाई के गरम होते ही हम इसमें घी डाल देंगे। गैस का फ्लेम मैंने हाई रखा है। जैसे ही घी गरम हो जाएगा हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ये मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। आलू के हलवे में घी का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करें तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिला दें आलू और घी को। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है यहाँ पे। अब हम इस आलू को ऐसे लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो इसमें बस थोड़ी सी यही मेहनत है कि इसे लगातार चलाना पड़ेगा आपको। 5-7 मिनट बाद हम देखेंगे कि आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो हम यहाँ पे ये पिसा हुआ चीनी डाल देंगे। अगर आपके पास पिसा हुआ चीनी नहीं है तो चीनी को मिक्सर में पीस लें। हलवे की मिठास आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मिला दें चीनी को। चीनी मिलाने के बाद हम इसे 2 मिनट तक ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। तो ऐसे मिक्स करते रहें। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम ही है। जैसे ही चीनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसमें ये इलायची पाउडर और जो कटा हुआ काजू है वो डाल देंगे। तो इलायची पाउडर की जगह आप इलायची को कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इलायची पाउडर और काजू डाल दिया मैंने, मिला दें इसे। आप इसमें काजू के अलावा किशमिश या फिर बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने सारी चीज़ें इसमें डाल दी है। गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर दें और मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो आलू जो है वो पैन से चिपकने लगेगा। तो ऐसे लगातार चलाते रहें। जैसे ही हलवे से घी अलग होने लगेगा मतलब हमारा हलवा जो है वो पकने के कगार पर आ गया है। तो इसे ऐसे लगातार चलाते हुए हम भूनते रहेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हलवा का जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है और हलवे से घी भी अलग होने लगा है। तो हलवा हमारा ऑलमोस्ट होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 1-2 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे भून लेंगे। आलू का ये हलवा जैसे ही अच्छी तरह पक जाएगा इसका जो टेक्स्चर है वो सूजी के हलवे जैसा दिखने लगेगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हलवे से घी भी अलग होने लगा है। तो लास्ट के 1 मिनट हम इसे हाई फ्लेम पे भूनेंगे। तो गैस का फ्लेम हाई किया मैंने और इसे लगातार चलाते हुए ऐसे भून लें। इससे ज़्यादा इस हलवे को ना पकाएं, नहीं तो आलू का जो कलर है वो ब्राउन हो जाएगा और हलवा सॉफ्ट की जगह क्रिस्पी होने लगेगा। तो अगर आपको क्रिस्पीनेस चाहिए तो आप इसे थोड़ा और भून सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर गैस को ऑफ कर दे रही हूँ। अब इस हलवा को हम सर्व कर लेंगे। तो इसे ऐसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि जो घी अलग है वो एब्जॉर्ब हो जाए हलवे में। और 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि हलवा जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बोल में इसे निकाल लें पहले। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट सर्विंग प्लेट में सर्व करें या फिर ऐसे थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए इसे एक बोल में डाल के ऐसे हल्का सा प्रेस करें और इसके बाद हम इसे ऐसे फ्लिप कर देंगे प्लेट में। गार्निश के लिए मैं यहाँ पे थोड़े से बादाम यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और ये हमारा आलू का हलवा तैयार हो गया है। तो आप इसे व्रत में ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
अगर आज की हलवे की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों रेसिपी के लिए इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करें।